Hello students, this is lecture number 9.1 and the topic name is biomolecules. Biomolecules hota kya? Actually, bio means hota hai living and things means hota hai molecule ya compound. Yani ki jo compound, the substance present in living things, jo compound hai jo living things mein present hote hai, that is called biomolecules. और बायो मतलब लिविंग थिंग्स ने हमारी बॉडी में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, तो हमारा जो बॉडी हो किन किन चीजों से मिलके बना है, इन शॉर्ट वी कैन से दैट. तो जनरली जो हमारे बॉडी का मेन पार्ट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एंजाइम होते हैं एसेट्रा. तो दीज आर बायोमोलिक्यूल्स. तो इसका हम फर्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? एक्चुअली इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन है, दिस वन इज द मॉडर्न डेफिनेशन, कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और या फिर वो सब्सटेंस जो कि इन सब्सटेंस को देते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस मतलब अगर हम वाटर को उसमें ऐड करते हैं तो हमें ये सब्सटेंस मिलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. दिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. इन शॉर्ट वी कैन से दैट पॉली, पॉली का मतलब होता है मैंने, पॉली मींस हो गया मैंने, एंड सेकंड इज हाइड्रोक्सी. हाइड्रोक्सी एक ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड OH ग्रुप, यानी जिस ग्रुप में बहुत सारे OH होंगे. पॉली मतलब मैनी, यानी लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप होंगे, और या तो वो क्या हो सकता है एल्डिहाइड, और या फिर क्या हो सकता है कीटोन. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, या फिर वो इन कंपाउंड को देगा ऑन हाइड्रोलिसिस, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. एल्डिहाइड का एग्जांपल हम लेते हैं ग्लूकोज का. ग्लूकोज तो ग्लूकोज में जो ग्रुप होता है दैट इज कीटोन ग्रुप, बाकी इसमें बहुत सारे OH लगे होते हैं. देखो C6 होता है, तो यहाँ पे 6 कार्बन हमने बना दिए हैं. अब देखो इसमें सेकेंड नंबर, फोर नंबर, फाइव नंबर, सिक्स नंबर, इसमें सारे OH है. थर्ड नंबर का OH इसका लेफ्ट हैंड साइड होता है, बाकी सारे के सारे राइट हैंड साइड में होते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट, आपने सुना होगा. तो इसमें क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी बहुत सारे OH ग्रुप है, और ये है कीटोन, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है. तो दिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. एक सेकेंड एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको, दैट इज फ्रक्टोज. फ्रक्टोज में देखो CH2OH, CO, फिर जो तीसरे नंबर का OH होता है वो लेफ्ट में होता है, बाकी सारे के सारे OH आपके राइट हैंड साइड में होते हैं. देखो आपको दिखने से लग रहा है ओवरऑल, तो दिस इज कॉल्ड फ्रक्टोज. दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, बट डिफरेंस इज दैट कि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है. तो कार्बोहाइड्रेट मींस पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन, या फिर जो इन सब्सटेंस को देगा ऑन हाइड्रोलाइसिस, दिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. एग्जांपल इसमें देखो ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, फ्रक्टोज एसेट्रा, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे. तो जनरली जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज अ सुगर, इसमें ग्रीक वर्ड है सैक्रोम, सैक्रम से मिलके बना है. कई बार इसे ऐसे लिखते हैं, किसी में ये ऐसे लिखा हुआ है सैक्रम. तो सैक्रम मींस क्या होता है? सैक्रम को जनरली हम कहते हैं सैक्राइज्ड, जो सैक्रम वर्ड है उसको हम कह देते हैं सैक्राइज्ड. मींस क्या हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम सैक्राइज्ड कहते हैं. ग्रीक वर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरली हम लोग जो वर्ड को यूज करते हैं वो ग्रीक या लैटिन वर्ड ज्यादा यूज करते हैं. रीजन क्या है कि जब जो पुराना टाइम था उस समय जो ग्रीक था वो हाई पीक में था, तो जो चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट होती क्या होते हैं वर्ड्स भी उसी के चलते हैं.
तो ग्रीक लोग इनको ज़्यादा यूज़ करते थे पहले, ग्रीक या लैटिन वाले, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको ही रीड करते हैं। तो ग्रीक वर्ड है क्योंकि जो ग्रीक है वो साइंस के फील्ड में बहुत हाई पीक में पहुंचा हुआ था, इसीलिए हम ग्रीक वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट को हम यहाँ पे सैक्राइड भी कहते हैं, यानी हम सैक्राइड ही कहेंगे अब यहाँ पे। तो इसकी एक प्रीवियस डिफाइन ये थी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका फॉर्मूला होता है CXH2OY। तो H2O मींस हाइड्रेट्स, वाटर यानी हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो पहले ये माना जाता था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन होता है। कार्बो मींस कार्बन एंड हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स मींस वाटर। तो इसका जो नाम रखा था कार्बोहाइड्रेट वो इसलिए रखा था कि दिस इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन बाद में ये देखा गया कि कई ऐसे कंपाउंड हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इस डिफाइन को चेंज कर दिया गया था। तो पहले 2-3 डिफाइन इसकी थी जो मैं आपको नहीं बताया पाया था, क्योंकि अब इसको मॉडर्न डिफाइन दे दी गई है। तो इसमें से जो पहले जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बो मींस होता है कार्बन एंड हाइड्रेट्स मींस वाटर, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम कार्बोहाइड्रेट कहते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसीलिए इस डिफाइन को रिजेक्ट कर दिया गया। एग्जाम्पल के लिए फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एसेट्रा, भी हम आपको जब क्लासिफिकेशन बताएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा एम्फसाइज में बताते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसको कई तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। इसमें है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स के बेस पे, नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ध्यान रखना नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, इसके बेस पे इसको 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है, मोनो, ऑलिगो एंड पॉली। तो मोनोसैकेराइड्स, व्हाट इज मोनोसैकेराइड्स, मोनो मींस होता है वन, यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी जो सिंपलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इसके आगे हम कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। इसका फॉर्मूला जनरली होता है CnH2NON। यहाँ पे जो N होता है वो 2 से और 10 तक नहीं बल्कि 7 तक होता है, 2 to 7 तक, 2 to 7 तक मोनोसैकेराइड में आपका ये होता है, सॉरी 3 to 7 तक होता है, 3 to 7। एग्जाम्पल आता है इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज एसेट्रा। लेकिन देखो इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो डी ऑक्सी राइबोज है वो इसे फॉलो नहीं करता, ध्यान रखना, क्योंकि डी ऑक्सी का मतलब उसमें से एक ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, इसीलिए वो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है। एक और चीज है, देखो एक और चीज क्या है यहां पे, जैसे मैंने कहा कि ग्लूकोज को हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, तो आपको लगेगा कि ग्लूकोज रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन एक्चुअल में ग्लूकोज रिएक्शन देगा। ये ब्रेकडाउन हो जाता है आपका किसमें, एल्कोहल में, C2H5OH, और बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। फिर आप कहोगे कि ये तो रिएक्शन दे रहा है, सवाल यह है कि अब जो अगर ये कोई रिएक्शन देगा आगे की तरफ, फर्दर कोई रिएक्शन होती है, दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, दिस इज एल्कोहल। तो ये ध्यान रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट होगा, दैट इज ग्लूकोज या फ्रक्टोज यानी मोनोसैकेराइड, ठीक है, उसके आगे रिएक्शन होगी, लेकिन जो उसका कंपोनेंट होगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, लॉजिक ही है। सेकेंड वन इज ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगो भी देखो एक ग्रीक वर्ड ही होता है, ऑलिगो मीन्स होता है फ्यू, यानी फ्यू का मतलब 2 to 10। तो वो सैकेराइड अगर हम इसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी इसमें वाटर डालेंगे, तो 2 to 10 मॉलिक्यूल मुझे मोनोसैकेराइड मिलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑलिगोसैकेराइड। इसको भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है जैसे डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11।
इसमें हम अभी पढ़ेंगे गैलेक्टोस है, सॉरी लैक्टोस है, लैक्टोस है, माल्टोस है, लैक्टोस हो गया, माल्टोस हो गया, आपका सुक्रोज हो गया, ये एग्जांपल अभी हम पढ़ेंगे। तो जितने भी डाइसैकेराइड्स होंगे सबका फॉर्मूला सेम होगा, C12H22O11। ट्राइसैकेराइड्स के लिए रेफिनोस है, फॉर्मूला C12H22O16। टेट्रा का होगा तो C24H42O11। तो ये फॉर्मूले कैसे आए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि जैसे मैंने कहा मोनो का फॉर्मूला ये हो गया, डाई का क्या करना है आपको, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से C12H24O12। अब जैसे आप डाई करोगे एक वाटर मॉलिक्यूल इससे हटा दो, एक डाई का मतलब एक हटाना है, C12H22O11। तो ये डाइसैकेराइड्स का फॉर्मूला। अगर मैंने कहा ट्राई का बताओ तो ट्राई का क्या करेंगे हम, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वाटर के मॉलिक्यूल उससे हटा दो, जैसे 3 6 18, 12 3 36 और 6 3 18। अब दो वाटर के मॉलिक्यूल मतलब 4 हाइड्रोजन हटा दो, तो C18H32O16, दो ऑक्सीजन हटाना है और 4 हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड ट्राइसैकेराइड। अगर मुझे टेट्रा चाहिए तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, C6H12O6 × 4, 4 से मल्टीप्लाई किया 24 48 and 24। अब क्या करो, जो 4 है उससे एक कम कर दो, 3 H2O माइनस कर दो, यानी 3 2 6 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42, और ये कितना कम होगा, 3 1 3 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 और C24। तो इस तरीके से आप किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, तो सबका सेम होता है ये, दैट इज टेट्रासैकेराइड। पेंटा हेक्सा आप ऐसे किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी हम इनके डिटेल्स पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट वन इज पॉलीसैकेराइड। पॉली मीन्स मैनी, ये अभी अपने पॉलीमर पढ़ा है, मीन्स बहुत सारे, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। लार्ज नंबर मीन्स क्या होता है कि 100 से लेके 3000 तक कितना भी हो सकता है। लार्ज नंबर मीन्स 100 से लेके 3000 यानी जितना भी हो सकता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमें मोनोसैकेराइड के मिलेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या है, C6H12O5 NaN। यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, क्योंकि हर बार हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, इससे वाटर निकाला हमने तो क्या होगा, एच के दो और ऑक्सीजन का एक निकल गया, तो फॉर्मूला होगा C6H10O5। तो वाटर निकालने का फायदा क्या है, देखो जैसे ही मैंने वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड किया हमें ग्लूकोज मिलेगा, और एन मॉलिक्यूल ऐड किए तो हमें एन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के मिलेंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस। एग्जांपल है इसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, हम इसकी स्टडी अभी लास्ट में करते हैं, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। सेकेंड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सुगर। सुगर के बेस पे देखो दो तरीके से होता है, दैट इज सुगर एंड नॉन सुगर। फिर इसको आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं, रिड्यूसिंग सुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर। तो सुगर की जनरली तीन खास बात है, पहला क्रिस्टलाइन होना चाहिए स्ट्रक्चर में, स्वीट टेस्ट होना चाहिए एंड सोलेबल इन वाटर, वाटर में सोलेबल होने चाहिए। जैसे ग्लूकोज आपने देखा होगा, ग्लूकोज को हम पानी में घोलते हैं, फ्रक्टोज यानी जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं वो सबके सब किस में आते हैं, सुगर में। ऑलिगोसैकेराइड होते हैं जनरली इसमें, जैसे सुक्रोज वगैरह हो गया, ये आपका किस में आएगा, सुगर में। मीठा होता है खाने में, स्वीट इन टेस्ट होता है। और इसका ठीक अपोजिट कर दो, नॉन सुगर, ठीक अपोजिट, वहां क्रिस्टलाइन था ये अमॉर्फस, वहां था स्वीट, ये स्वीटलेस यानी टेस्टलेस हो जाएगा, टेस्टलेस। और ये था सॉल्युबल, तो ये नॉट सॉल्युबल या वेरी वेरी लेस सॉल्युबल। एग्जांपल में पॉलीसैकेराइड और कुछ ऑलिगोसैकेराइड भी आते हैं, लेकिन मेन है इसका पॉलीसैकेराइड।
अब नेक्स्ट ध्यान रखना आपने रिड्यूसिंग शुगर, ये बहुत पूछा जाता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, ध्यान रखना इसे। रिड्यूसिंग शुगर होता है कि द शुगर विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रीजेंट, हम इसको आगे पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट होते हैं। तो जिसके पास भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वो आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस रीजेंट टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, और जिसके पास नहीं होता वो नहीं देते। इसके अलावा एक और मेन चीज है, क्योंकि हमने देखा अभी कि ओपन स्ट्रक्चर इसका फेल हो चुका था ग्लूकोज का, तो हमने क्या किया, इसके ओपन स्ट्रक्चर को फेल होने के बाद हमने देखा साइकिल में हम कैसे देखेंगे इसे, साइकिल में हम कैसे देखते हैं, अगर कोई एल्डिहाइड होगा तो उसके पास कम से कम हेमी एसिटल होना चाहिए, अगर कोई कीटोन ग्रुप होगा तो उसके पास हेमी कैटल होना चाहिए, कम से कम एक ग्रुप हेमी कैटल या हेमी एसिटल होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, हेमी एसिटल एंड हेमी कैटल। एसिटल मीन्स जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है उसके लिए एसिटल, और जिसमें कीटोन ग्रुप होता है उसके लिए कैटल। हेमी मीन्स हाफ। तो देखो कंडीशन क्या है इसकी, अगर मैंने कहा कि हेमी एसिटल चाहिए, तो हेमी एसिटल की कंडीशन क्या होती है, कार्बन में एक ईथर ग्रुप लगा हुआ ना, एक ओ ग्रुप लगा होगा, एक OH ग्रुप लगा होगा, एक हाइड्रोजन लगा होगा, एक एल्काइल का मतलब एक कार्बन लगा होगा। अगर ये कंडीशन कहीं पे भी आती है तो हम कहेंगे ये हेमी एसिटल है, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। हेमी एसिटल ध्यान रखना है हर बार। सेकेंड आता है हेमी कैटल। हेमी कैटल की कंडीशन क्या है, देखो एक OH एक ईथर, और दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, दोनों के दोनों कार्बन ग्रुप लगे होंगे। देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन था हेमी एसिटल में, और हेमी कैटल में क्या है, दोनों के दोनों कार्बन ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो दैट इज कॉल्ड हेमी कैटल। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आती है तो वो रिड्यूसिंग शुगर है, और अगर नहीं आता है तो नहीं है, सीधी सी बात। अब सेकेंड वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, कि वो शुगर जो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रीजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता है, उस शुगर को हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग वर्ड से इसका नाम रखा है रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि जो इन कंपोनेंट को फेलिंग सॉल्यूशन को या टॉलरेंस रीजेंट को रिड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, अगर नहीं कर पाएगा तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसकी जनरल कंडीशन क्या है, इसमें होता है एसिटल और कैटल, ये किसके लिए है, साइकिल के लिए। अगर क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, अगर ओपन चेन होगा तो उसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होंगे प्रेजेंट, ध्यान रखना। अगर ओपन कंपाउंड होता है, ओपन चेन वाला, तो ओपन चेन में उसमें फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन नहीं होना चाहिए, फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो नहीं होना चाहिए, या फिर उसमें एसिटल और कैटल ग्रुप होने चाहिए, हेमी वाला नहीं होना चाहिए। एसिटल की कंडीशन देखो, दोनों के दोनों ईथर ग्रुप लगे हैं, एक आर लगा हुआ है यानी एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसे कहेंगे हम एसिटल। तो एसिटल वर्ड होता है एल्डिहाइड के लिए। कीटोन में देखो यहाँ पे फर्क देखो सिर्फ, केवल यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वहां पे एल्काइल ग्रुप लग गया, वही कैटल हो गया। कैटल और एसिटाइल में फर्क क्या, देखो कीटोन में क्या होता है, दो आर होते हैं, एल्डिहाइड में क्या होता है, आर और एच होता है। तो यही चीज ध्यान रखनी, आर एच और इसमें दोनों आर लगे हैं। अब जहां पे सी डबल बॉन्ड ओ था वहां पे दो ओ अलग अलग हो गई, ये मान के चलो। तो ये ईथर ग्रुप, ये भी ईथर ग्रुप, तो दो ईथर ग्रुप और दो एल्काइल ग्रुप होंगे तो कीटल, और दो ईथर ग्रुप एक एल्काइल और एक हाइड्रोजन होगा तो दैट इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। नोमेनक्लेचर के लिए मैंने बताया था नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 to 7 होने चाहिए, और ये डिपेंड्स करता है एल्डिहाइड या कीटोन यानी फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा। तो जनरली हम इसमें क्या करते हैं, सबसे लास्ट में ओस को ऐड कर देते हैं, ओस जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो ऐसे ही ओस लगाया जाता है इसमें, और इनका जनरल फॉर्मूला भी बताया था आपको, CnH2nOn होता है, CnH2nOn।
अब दो अलग अलग ग्रुप हैं तो उसके लिए क्या होगा, अलग अलग नेम होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 to 7 होते हैं। तो कैसे नेमिंग होगी, देखो एल्डिहाइड होगा तो सबके आगे एल्डो लग गया, कीटोन ग्रुप होगा तो सबके पीछे आगे लग गया कीटो ग्रुप। फर्क सिर्फ क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। तीन कार्बन एटम तो ट्राई ओस, क्योंकि लास्ट में ओस लगेगा ही लगेगा। 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, बाकी सबके पीछे ओस लगा दो। कीटोन में भी यही होगा, कीटो ट्राइओस, कीटो टेट्राओस, कीटो पेंटाओस, कीटो हेक्साओस, कीटो हेप्टाओस। तो ये है आपका कि किसके बेस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे नोमेनक्लेचर। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा C4, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला बनेगा दोनों का सेम बनता है। C4 होगा तो H क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा, O भी क्या होगा 4 होगा। अगर सपोज ये एल्डिहाइड ग्रुप में, तो इसका नाम क्या होगा, एल्डो। सबसे पहले नाम लगाना उसका एल्डो, फिर कितने कार्बन है, 4 के लिए टेट्रा, फिर पीछे ओस। अगर ये सपोज कीटोन ग्रुप का हो गया C4H8O4, कीटोन के लिए कीटो और बाकी उसके पीछे क्या करना है, टेट्राओस। तो ये डिपेंड करेगा फंक्शनल ग्रुप पे। बाकी देखो ये पोर्शंस दोनों के लिए सेम है और इसके लास्ट में ओस लगा दो, यानी पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं और लास्ट में ओस। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होता है। तो ये पोर्शन यहीं पे ख़त्म होता है, लेक्चर नंबर 1। थैंक यू।